मिसरा जाया हो जाए तो तो होता ही है, शिकवा बनता नहीं, हमेशा पढ़ना तो आपके दरमियान। हाँ भी क्या कर गया, मैं तो यही कहूंगा आपकी मर्जी, मैं कहूंगा गमे हुसैन में सरशार होके आया हूं। जिन्हें अदब अच्छा लगता है, लेकिन से मोहब्बत करते हैं, सलाम है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी रूहानियत है, बड़ी बरकत है जिक्र में। बहुत जल्दी आपने माहौल को बहुत ही अच्छा कर दिया। पूछेंगे हाँ भाई क्या करके आए, कहाँ से होके आए, क्या कमा के आए, क्या कमा के आए। दूसरे मिसरे का अंदाजा होगा कि मैं कितनी देर पढ़ूंगा। गमे हुसैन में सरशार होके आया, मैं करबला से आजादार होके आया। आबाद बच्चों की जिंदगी हो, आप जी आबाद है। दूसरा शेर काबिल गौर, जितने बादमी बैठे हो, ददार बैठे हो, तो बार बैठे हो बादशाह। दूसरा शेर मैंने बड़े एतमाद से लिखा, आपकी दाद बताएगी मेरा एतमाद ठीक है या नहीं। गमे हुसैन में सरशार होके आया, मैं करबला से आजादार हो के आया। फरिश्तों की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का आवाज सलाम मौला कितने समझे जी दिया। क्या कहने, बुजुर्ग हैं, सुफैदीत हैं, नाराज हैं, सरशार होके आया, मैं करबला से आजादार होके आया, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहीं से खुद का हकदार होके आया। मैं भी सुना कर। अच्छा एक मुश्किल सी बात है, अगर आप समझे तो मैं पढ़ू, अगर इतना मैदान मजमाना हो तो शायद मैं ये शेर छोड़ भी देता। कुछ शेर होते हैं बंदा अपने लिख के रख लेता है, मजमे में कम पड़ता है, खुद को ज्यादा सुनाता है। गमे हुसैन में, मैं साउंड वाले भाई जरा थोड़ा सा मेहरबानी करना, आज साउंड भारी है, बहुत भारी है। पहला जाकिर पढ़ रहा था तभी मुझे एहसास हुआ था कि थोड़ा भारी साउंड है, पता नहीं आवाज इतना वजनी कैसे किया हुआ है आपने। मैं मुझ महीने खराब नहीं करना, ऐसी जल्दी में ना मिल रहा। गमे हुसैन में तजर्बा है ना जी, 20-22 साल का, जब भी साउंड ठीक करवाया उसने मुझे खराब ही किया, ये बेहतर है गुजारा कर लिया जी। बारीक बीन कर दिया ना, चश्मा लग गया भाई को, साउंड पे बारीक बीन से काम कर भाइयों की तरह है। बाबा जी बारीक कारें दौड़नी होती है, बड़ी मुश्किल काम। अच्छा शेर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, लेकिन बुलंदी बड़ी है शेर। कुछ अशार बंदा खुद के लिए लिख लेता है कभी कभी, दिल खुद को सुना दी। गमे हुसैन सरशार होके आया, मैं करबला से आजादार होके आया, जहां से हजरत हुर को मिली है राह निजात, वहीं से खुद का हकदार होके आया। सुनिएगा, मैं कहूंगा मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं है,
तो वो कहेंगे इतनी बढ़ बढ़ के बातें क्यों कर रहे हैं, इतनी बढ़ बढ़ के बातें क्यों कर रहे हैं। तो जवाब बनता ही यही था, यही बादशाह ने अदा किया, यही लिख दिया, मैं एक खाक का जर्रा मगर नसीब मेरा, शरीक मजलिस अनवार होके आया हूं, जिन्हें जर्रा नूर का फर्क पता हो वो बोल। बड़ी अच्छी आपने दाद की गाई, मैं मुतमईन हो गया। वो शेर पढ़ रहा हूं जिसमें नाज है बादशाह ने मुझे अदा किया, शरीक मजलिस अनवार होके आया, वहीं से खुल्द का हकदार होके आया, मैं करबला से आजादार होके आया। वो कहेंगे मिला क्या, मैं कहूंगा और अब और बख्त क्या मिलता, अब और बख्त क्या मिलता, नजफ की गलियों से मलंग के हैदर कर्रार हो गया। मलंगे मैं 20 साल का था, 20 साल जब पहली बार मैं बादशाहों के हरम पे सजदा करने गया तो मेरा सन 20 साल, जो पहला सजदा मैंने खाक के करबला पे किया 20 साल के सामने, 7 या 8 मरतबा या 9 मरतबा जा चुका हूं। खालिक हर उस अजादार को ले जाए जिसके दिल में ख्वाहिश है, जन्नत है, जन्नत देख ले जाए, ये मोमेंट का मुकद्दर है, वो जमीन पर जन्नत देख सकता है, ये मशीन जो होती है ना अरबाइन पे, ये जो 80 मील जवार पैदल चलते, इस पर मैंने 4 सत्रे गए, दुनिया ने मुझे धुआं, मौत से थोड़ा बहुत चेहरा बदल जाता है, मौत थोड़ा बहुत, क्या आप फिक्र जैदी साहब ने थे इबला अल्लामा अजहर जैदी साहब मौला काबर मुनव्वर फरमाए, वो फरमाते थे हम मरते नहीं हैं क्योंकि हम ना मरने वालों पर मरते हैं। शुक्रिया अल्लाह आपको आबाद, हम मरते नहीं हैं कि हम ना मरने वालों पर मरते, हम ना मरने वालों पर मरे तो फिर कैसे मर जाए, हम मुंतकिल हो जाए एक जहान से दूसरे जहान की तरफ। हालांकि सरहद पार जाना हो तो पासपोर्ट बनता है, वीजा लगता है, वो फरमाते थे कि ना पासपोर्ट बनता है ना वीजा लगता है, क्योंकि जो मालिक यहां के हैं वहां के वही मालिक। जब मालिक एक है अल्लाह आपको आबाद शादा जैन आपको इज्जत वादा, तो मैंने मशीन पर 4 सत्रे कहीं दुनिया ने धुआएं, मैंने कहा तगैयर मौत क्या लाएगी मुझे, दुनिया से दुआएं ली, आज मैं देखता हूं फिरोज वाला कैसे सुनता है 4 सत्रों को, तगैयर मौत क्या लाएगी मुझे, सरापा जिंदगी में ढल गया हूं, सरापा दीवारें बोलेंगी आप चुप रहिएगा, सरापा जिंदगी में ढल गया हूं, मुझे जन्नत का रास्ता मत बताओ, नजब से करबला पैदल गया हूं। सिला दे दिया आपने, अल्लाह आपको सलामत रहना, आपको इज्जत अता करना। 20 साल का था जब मैंने पहला सजदा खाके करबला पे,
उस नूर पे सजदा किया जो ख्वाब की सूरत में जमीन पे मौजूद है। क्या क्या पढ़ा जाए, दिल बड़ा कर रहे हैं, लेकिन मौला बस आप सबको सलामत रखे, मुख्तसर करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला सजदा किया तो मैंने खा के करबला से कहा, मैं बड़ा मामूली सा आजादार पहली बार जन्नत में आया हूँ, मैं गुनाहगार सा इंसान सजदा गुजारों की सरजमीन पे पेशानी रख के खैरात मांगने आया हूँ, थोड़ी सी अपनी फजीलत और मार्फत अदा कर दें ताकि मैं कभी बांट सकूं। वो फिर जो ज़मीर ने जो कुछ सुना वो महफूज हो गया, फिर वक्त गुजर गया, फिर वाले साहब की शहादत हुई, फिर मौला ने नौकरी में बुला लिया, फिर मदारस पढ़नी शुरू की, लोगों ने शायर लिखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा, उस ख्याल को लफ्ज़ दे के देखूँ वो जो खाक करबला से पहली आवाज़ मेरे ज़मीर तक आई थी। इमाम हुसैन आप सलामत रहे, आपने बड़ी दाते दी, यकीन जाने दिल मुतमइन हो गए। तो वो मैं कोशिश करूँ उन्हें लफ्ज़ देने की थोड़ी बहुत, वो जो आवाज़ थी बस वही आवाज़ सुनी और मैं आपको दुआ दूँ। क्या कहा खाक करबला ने कज़ादार से, खाक ने कहा याद रख आ ही गया है तो चलो खैरात लेता जा, वो मुअल्ला हूँ जिसे करबो बला कहते हैं। कोई जल्दी नहीं करनी, दाद जहां बनती हो वहां दीजिएगा, जहां ना बनती हो भेजिए, मुझे भी पता चले मैंने क्या लिखा। हाँ हर लफ्ज पे दाद मिलती है तो शायर कैसे लिखा। वो अल्लाह आपके चेहरों पे मुहब्बत है जो उसको देख के पाए, वो अल्लाह हूं जिसे कर्म बला कहे, मुझको शब्बीर के कदमों की अता कहते, मुश्किल बातों में बोला करें ताकि हमारे अपने को जी जाए। अगर कोई मेरी तबीयत की नासाजी का फायदा उठाना चाहे वो उठा सकता है, दाद देना चाहे बेटा चुप रहे फिर कभी आके ले लूंगा। जो जिक्र की हुरमत के लिए बोलते हैं मेरा साथ में, वो अल्लाह जिसे कर्बो बला कहते। मैं अक्सर कहा करता हूं लोगों ने झूठे खुदा बना लिए, लोगों ने झूठे रसूल बना लिए, आज तक किसी की जुरत नहीं हुई तीसरा वो अल्लाह बनाने की कोशिश। ऐसा हो तो बोल यार बता कि या मेरे हाथ पे बैयत या फिर मदीना छोड़ वतन छोड़, तो जान दो बादशाह ने क्या कहा, बैयत नहीं करूंगा मदीना छोड़, लेकिन मैं हूं अबू तुराब का बेटा, ये मेरा वादा है जिसे छोड़ूंगा कयामत तक मुनव्वर रहेगा, जिसे बसाऊंगा वो मुअल्ला हो जाएगा। जो लफ्जों के कदर दाम बैठे वो मुअल्ला हूं जिसे खरबो बला कहते, मुझको शब्बीर के कदमों की अता कहते, अर्श वाले मुझे मेराज बका कहते, खाक मेरी है जिसे खाक शिफा कहते। जो अदब सुनते हैं वो बोलेंगे मौला आपका मालूम, खाक मेरी है, बड़ी मेहरबानी बेटा अल्लाह सलाम, वो मुअल्ला हूं जिसे करबो, मैं शेर पढ़ रहा हूं दिलों पे नक्श हो जाए दुआ की जगह, वो मुअल्ला हूं जिसे करबो बला कहते, मुझको शब्बीर के कदमों की अता कहते, अर्श वाले मुझे मेराज बका कहते, खाक मेरी है जिसे खाक शिफा कहते। मैंने कहा इतनी मंजिलें कैसे मिली, तो करबला से आवाज आई, पहली तरजीह हूं मैं आखिरी पैगंबर।
पैगंबर की, मैं ही जागीर हूं जागीर अली अकबर की। बोला करो यार, जिक्र में नहीं बोलना तो कहां बोलना है। अल्लाह आपको आबाद और शाद। बाबा जी बड़ी मेहरबानी। आज 29 सफर 1444 रात के तकरीबन पौने 10 बजे अकील मौसम नकवी 6-17 पढ़ के जा रहे, बशर्ते सेहत और जिंदगी कभी फिर वापस आए तब भी आपको ये 17 याद। करबला ने कहा गौर से सुन ले, मैं शहर नहीं हूं, मैं राज हूं। मैं शहर नहीं हूं, मैं अल्लाह का राज हूं। आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक यहां नहीं पहुंचोगे, जहां तक मैं पहुंचा रहा हूं। शहर नहीं है करबला, अल्लाह का राज है। बड़ी सादा आसान, बच्चों को समझ में आने वाली वाहिद और आखिरी दलील। दुनिया के किसी भी शहर की मिट्टी खाना हराम, करबला की खाक शिफा। अल्लाह आपको आबाद उशाद। गौर से सुन ले, मैं अल्लाह का राज। कुछ चेहरों पर परेशानियां आ गई तो परेशानियां कर। 6 करोड़ लोग थे करबला में, 40 पे रास्तों के लोग हटा ले, सिर्फ ये जो 60 मुरबा मील है करबला, इसमें कितने लोग थे? कम से कम मैं अंदाजा लगा 2 करोड़। 10,000 बंदा जीटी रोड पे इकट्ठा हो जाए, पूरे लाहौर की इंतजामिया जमा हो जाती। हुआ क्या है, 2 करोड़ लोग एक ही वक्त में एक ही शहर में। ये सैकड़ा जो नाम बोले मैं समझूंगा आया ही नहीं। 2 करोड़ लोग एक ही शहर में एक ही वक्त में, और मुनज्जम इतने हैं कि 4 साल के बच्चे के पांव पर भी पांव नहीं आता। सुनो, दिल चाहे तो बोलिएगा। मुझे किसी ने कहा कि आप पढ़ते हैं 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ लोग अरबईन पे करबला मुअल्ला। मैंने कहा जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये एक साथ होते हैं। मैंने कहा जी एक साथ होते हैं। वहां की गवर्नमेंट कैसे संभालती? मैंने कहा तुझे वहां की गवर्नमेंट का पता ही नहीं। अली का वासा बिगड़ जाए ना। मैंने कहा तेरा कसूर नहीं, तुझे वहां की गवर्नमेंट का पता नहीं है। वहां के गवर्नर को अब्बास कहते हैं, बादशाह को हुसैन। वहां करबला अल्लाह सलाम, और आपका बाद हुसैन आपको इज्जत। सबसे अनोखी सल्तनत करबला, सबसे अनोखी और अलग बादशाहत करबला। हर मुल्क की अपनी फौज होती है ना, 200 मुल्क है दुनिया में। हर मुल्क का अपना खजाना होता है, हर मुल्क का अपना बादशाह 200 मुल्कों में, हर मुल्क का अलग परचम। ऐसे ही चले आए फिर फैसला कर ले, करबला से ऊपर कोई सल्तनत दिखा दे। फौज कितनी है? 72।
कितनी सिर्फ बात, अनोखी फौज है उसे, पूरे लश्कर में कोई एक भी रजी अल्लाह नहीं है। जॉन भी अलैहिस्सलाम और भी अलैहिस्सलाम, जो भी है अलैहिस्सलाम, हर मुल्क का अपना खजाना। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खाना हुसैन के नाम पे तकसीम होता है, आपने फिक्र समझा नहीं, सबसे ज्यादा लंगर हुसैन के नाम पे बांटा जाता है। ये तो कई मरतबा पाकिस्तानी अखबारों में भी आ चुका है कि दो दिन छुट्टी रहती है, 9 और 10 मुहर्रम में नुकसान नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान नहीं होता, क्योंकि इतना लंगर बनाया जाता है, इतनी न्याज तकसीम की जाती है कि बल्कि दुगना फायदा हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। खाना जहां भी तकसीम होगा इमाम हुसैन के बारगाह के अलावा या इमाम हुसैन के नाम के सिवा जब भी कोई खाना तकसीम करता है, वो कहते हैं गरीबों को बुलाओ, मैंने खाना बांटना है। कैसी इज्जत वाली बादशाहत है हुसैन, हुसैन के नाम पे लंगर बांटा जाए, करोड़पति और फकीर एक लाइन में खड़े हो। आपको आवाज, इमाम हुसैन आपको कभी मोहताज ना, ये 6-7 मेरी जिंदगी है, आपकी मर्जी आप जैसे, दिल से आराम ना हुआ, करबला की मार्फत हासिल हो रही थी और मैं सजदे में, खाक की खुशबू पता नहीं मेरे रूह को कितना मुअत्तर कर रही थी। करबला का दिया अकले इंसान में समाधि नहीं, वसत मेरी बस के एक राज इलाही है, हकीकत मेरी अर्श वालों पे भी वाजिब हुई इज्जत मेरी, सारे आलम से जुदा एक हकीकत मेरी, सारे आलम से जुदा एक हकीकत। मैंने कहती कौन सी, करबला कहते मेरी मिट्टी ने कई अर्श बहाव चूमे हैं, मैंने 172 के कदम चूमे हैं। मैं आबाद शाद रखे तुम जियो तुम जी, देर तक सुना बहुत अच्छी समात है, बहुत बुलंद मार्फत, बहुत उमदा अकीदा मेरे सामने है, 4 सत्रों की जहमत और मेरे को थोड़ा सा और तार दिल सहरा हो, तो जो आवाज आई मौला की कसम यहां दिल पे लक्ष, माह जो के उजालों का भी महवर में, माह जो के उजालों का भी महवर में, बख्ते अफलाक जमीनों का मुकद्दर में, चश्माए कौसर जमजम से भी बढ़कर मैं, आखिरी सजदा कहे सिर्फ़ पैगंबर मैं हूं, और उस सजदे की तासीर ये है, कमाल तासीर है, और तासीर का मियाद देखिए, करबला कहते घर तो उड़ती है तो बख्शिश के निशान बनते हैं, मेरी मिट्टी से ही जन्नत में मखा बनते। अल्लाह तुम्हें आबाद, जिसे 2 महीने 28 दिन रोए, दो महीने 28 दिन तुम रोए,
जिसे आज वो खुद गुस्सा नहीं आएगा। जिसका जनाजा है ये हुसैन का भी इमाम, आज सालत ही ऐसा मिला अजीब रंग में मुसलमानों ने अजरे विशाल लगा। मुस्तफा की बेटी ने हक मांगा नहीं मिला। हसन ने काबर की जगह मांगी नहीं। हुसैन ने दो दरियाओं के दरमियान खड़े होकर 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगा। जो सैयद बैठा है मुझे माफ करेगा, करबला से लेकर शाम तक 1600 मील तक जिसके कद का अंदाजा भाइयों का नहीं था वो चादर मांग दी गई। माफी चाहता हूँ, सादात बैठे हूँ तो उनसे माफी मांग के फिक्रा पड़ा। मर जाना है, जिंदगी फना है, कब्र में यही काम काम आएगा। कोई शिया है, कोई अहले सुन्नत है, ये मुस्तफा के बेटे का जनाजा है जो बराबर था। पैगंबर ने फरमाया था हसन अमीर है, हुसैन गरीब। अमीरों के जनाजे ऐसे होते हैं। मुख्तसर पढ़ना है लेकिन बच्चों को थोड़ा समझा दो। बड़ा रोए हैं आप, बहुत गुस्से लिया आपने, 2 महीने हो गए आपको रोते हुए। मुहर्रम का चांद देख के आपने रोना शुरू किया। कभी आप हुसैन की तैयारी पे रोए, बहुत रोए हुए होंगे आप। जब जाकिर ने बताया होगा हुसैन से उम्मत ने वतन तब छुड़वाया जब लोग असगर की मुबारक देने आ रहे थे। मौला कोई काम ना दे, मैं दुआ दे रहा हूँ और तहे दिल से दे रहा हूँ। जिस अंदाज का आपने पुरसा दिया है ये बहुत कम मजादारों के नसीब में होता है। इस्तकबाल में इस अंदाज का बैंक, तब उम्मत ने वतन छुड़ाया जब लोग असगर की मुबारक देने आ रहे। यकीनन हम बहुत रोते हैं जब कोई जाकर बताता है कि हर गुनाहगार हज कर रहा था, हुसैन रोती हुई बहनों को लेकर रवाना हो। साल का वो ये जो फिक्र सुनता है वो भी रो पड़े। 7 मुहर्रम को साकिए कौसर की औलाद का पानी बंद किया गया। छह माह के मासूम तक प्यासे रखे गए। मैं आपके अजहान को आमादा कर रहा हूं, साल में एक बार आता हूं यहां पर, हो सकता है कुछ फिक्रे इस फकीर के याद रहे। फिर आपने 3 दिन
जीत लिया किया। फिर 10 मुहर्रम को आपने हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत सुनी। फिर आपने सोचा पता नहीं आर्श कैसे कायम रहा, जमीन कैसे बच गई, कायनात कैसे बाकी रही, जिसके दरवाजे पर अब्बास रुकता था शिमर बगैर इजाजत के आया। कोई काम ना दे, दो फिक्रे और सुनिए और मैं फिर बस फोन शुरू करूं। बच्चों के भी जहन तैयार हो जाएंगे। फिर 11 मुहर्रम से लेकर तकरीबन सफर के दरमियान या 13 सफर तक आपने मुसलसल अली की बेटियों का सफर सुना। इज्जतदार बेटियां अली की, जिनकी मां का जनाजा रात को उठा, वो कभी बाजारों की भीड़ में, कभी दरबारों में, कभी दरबारों की पेशियां, कभी बाजारों के बचने, मुझे माफी दो तो फिक्र पड़ो। सबसे ज्यादा अजादार तब रोए जब जाकिरीन ने पढ़ा सारा काफला वापस आया, बस एक 4 साल की बच्ची जिंदा न मर। यही हक बनता है पुरुष का, जैसे आपने क्रिया बलंद किया, हक ही यही बनता है। ये मेरा जिक्र पे हाथ है, मैं बहुत मामूली छोटा सा नौकर, सबसे छोटा खादिम हुसैन, सबसे मामूली कदा का दरवाजा, एक कदा करे बतूल के दरवाजे का अपना साझा रहो फिक्र आपके हवाले कर। कितने जुल्म सुने आप, लाशों पे घोड़ों का दौड़ जाना, टुकड़ों में लाशों का तकसीम हो जाना, चादरों का लुट जाना, 15 आजाने एक मोड़ पे सुनना, जिक्रे पाक है। इन गुर्बतों में एक गुर्बत रहे, आपने ये नहीं सुना कि किसी का जनाजा कब्रिस्तान से वापस आया। बिस्मिल्लाह करा, कोई काम ना देखो, ये जहरा के अमीर बेटे का जनाजा बरामद होगा यहां पे। शहादत तो खैर 2-4 फिक्रों में पढ़नी होती है। जो गुर्बत है इमाम हसन की, उसके चंद फिक्रे सुनिए। जितना नफीस था इमाम, उतना कातिल जहर मिला। मैं इजाज़त के लिए एक फिक्र पढ़ूंगा जो इन बच्चों को भी याद रह जाएगा, जो 6-7 साल के बच्चे, ये मेरे जुड़े हाथ देखिएगा, इस फिक्रे पर क्रिया बलंद होना चाहिए। नफीस तरीन इमाम, रोजादार इमाम, जिसे 8 मरतबा पहले जहर मिला था, अब जो जहर मंगवाया गया वो इतना कातिल था, रोम से जिसने भेजा उसने लिख के भेजा, इसे किसी इंसान को ना दिया जाए, ये पत्थर तोड़ने के लिए होता है। माता इबादत, क्रिया इबादत है, हुसैन के गम में रोना बहुत बड़ी इबादत है। शर्मा के नहीं, दिल बन जाए तो फिर गरीबों का किस्सा है, जैसे दिल चाहे वैसे। सैयद हसन अब्बास के लिए दुआ कर रहा हूं, बोलो ना सलामत। कातिल तरीन जहर, जहर हिला है। दूसरी दलील सुनी, जोधा मलूना ने
रोजादार इमाम को आपने बड़ा आराम से बिकरा सुना, रोजादार को प्यास लगती, प्यास पानी से बुझती है, जहर से नहीं। शरबत में मलबूना ने जहर देना अली के नफीस बेटे को दिया, एक घूट भरा जिगर तक असर दे जाम वापस दिया। दलील सुनिए कितना कातर जहर था, मलबूना के हाथ में जाम था। ये कहते मौला थोड़ा और पी, फरमाते तूने इतना भी ना सोचा मेरा कासिम 3 साल का, मुश्किल लग रहा। यकीन आ गया इमाम को, इस जहर ने मुझे बचने नहीं देना। इस जलाल से देखा कि हाथ से जाम गिरा मिट्टी पे आया। मुअर्रिखीन ने लिखा इतना कातिल जहर था मिट्टी से धुआं निकला। ये जिक्र का वास्ता दे रहा हूं, मुझे सोच के बताना, जिस जहर ने मिट्टी में आग लगा दी उसने इमाम के जिगर का क्या हाल किया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मां बाप को नसीब हो ऐसी औलादें। 2-4 फिक्रें सुन लो, जितना तबीयत साथ दे उतना पढ़ूंगा। इतना कातिल जहर था, दीवारों का आसरा लेकर नाना के रोजे तक इमाम पहुंचा। मुझे नहीं मालूम कहां कहां सादात बैठे। आपका गिरिया बाकियों से थोड़ा बुलंद होना चाहिए। ये फिक्र शायद मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। रोजे रसूल पे मगरिब की नमाज पढ़ाई बनी हाशिम के साथ। नमाज पढ़ाने के बाद इमाम ने कहा सारे चले जाओ, मैं थोड़ी देर तनहा नाने के पास बैठना चाहूंगा। ये 50 हिजरी का वाकया है। 50 हिजरी में इमाम हसन को बड़ा खतरा था और बनी हाशिम जानते थे कि दुनिया इमाम के दुश्मन है। सारे हाशिमी चले, 3 मरतबा मुड़ मुड़ के अब्बास देख रहा है। अल्लाह किस किताब में ना रो, जो नर्म जुमलों पे रोते हैं मैं उनके लिए बड़ी दुआएं करता हूं। अल्लाह उन्हें कोई काम ना देना जो नर्म मसायब पे इतना क्रिया करते हैं। राजी मुतमईन होके जाओ, मुतमईन मैं थोड़ी देर नाना के पास बैठना चाहता हूँ। ये फिक्रा गिरिए का है, गिरिए का बैर करने का गिरिए। कुरान खोला, नाना की कब्र अधर पे बादशाह ने तिलावत, ये मिंबर पे हाथ है, गलत पढ़ू अगली सांस नसीब ना हो। जहर इतना कातिल था, कुछ देर के बाद आंखों के सामने अंधेरा आया। नहीं समझा मैंने पढ़ा के कुरान बंद करके कहते नाना बैठे की आखिरी तिलावत है, नाना जो जहर मिला है लगता है तेरा बेटा बचता नहीं, नाना अगर कल कब्र की जगह लेने आओ तो बेटा है, कब्र हिलने लगी हसन आना जरूर सोच के आना, ये वही उम्मत है जिन्होंने तेरी माँ को जख्मी किया, ये वही उम्मत है दरबार में तेरी माँ कई घंटे। चले साल की मेहनत है बानियान की, साल के बाद ही ये दिन आना है ना, और साल में एक ही दिन इमाम हसन का जिस दिन आप सुनते भी हैं और रोते भी हैं। लेकिन ऐसे रोना कि हूरे बीबी ज़हरा से पूछे, ये जो बेतहाशा तेरे बेटे के घर में रो रहे हैं तेरे क्या लगते हैं। शर्मा के नहीं रोया जाता, इनका कुछ बचा ही नहीं है तो इन्हें शर्म करके क्यों रोएगा। बच्चे
मानूस नहीं है इन मजामीन से, क्योंकि ये बहुत कम पढ़े जाते हैं। थोड़ी तफसील सुन ले 5 या 7 मिनट, उसके बाद मैं मातम की सजा देता हूं। ना ना यकीन आ गया, मेरी आखिरी रात, हो सकता है कल मैं तेरी कब्र पे जगह लेने आऊं। असल सोच किया ये वही उम्मत है जिसने तेरी मां के पहलू को जख्मी किया। मुझे इस आलम की कसम, मुझे कुरान के 30 सिपारों की कसम, कायनात में इमाम हसन और इमाम हुसैन से ज्यादा मजलूम कोई है ही नहीं। ये दोनों वो मजलूम हैं अली के दोनों बेटे, जिनके सामने मदीने में उम्मत ने उनकी मां को मारा। मातम, मातम में शर्म नहीं होती, जनाजे में मातम अच्छा लगता है, खामोशी नहीं। जो कर सकता है कम से कम तो जवान बैठे हो, तुम्हारा हक बनता है। मैं बिस्मिल्लाह करा नाना की कब्र से उठा, मां की कब्र पे आए, मां की कब्र से चले। रात ढल गई थी, आधी रात के करीब हो गई थी, अपने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी, बहुत हल्की आवाज में कहा, जहर मिल गया। आवाज इमाम की, खुशबू इमामत की। बीबी फतवा दौड़ के आए, दरवाजा खुला, वारिस का चेहरा देखा, बोला लगता है खैर कोई, मुझे जहर मिल गया। बीबी ने जल्दी से बिस्तर बनाया, इमाम बिस्तर पे लेट, 3 साल का है काशी। जो बच्चों के बाप बैठे हो तुम्हें तो मालूम है, बाप तकलीफ में हो तो बच्चे को सीने से लगे ना तकलीफ कम हो जाती, कभी दाएं करवट बदलते हैं, कभी बाएं, कभी जिगर पे असर होता है, कभी सीने पे। तड़प के कहते हैं फरमा मेरा कासिम कहा है, मौला आप ही सुनाया। फरमा दे थोड़ी देर मेरे सोए हुए बच्चे को मेरे सीने पे सुला। हर मुतकद्दमीन जाकिरीन में से हर किसी ने यह फिक्रा पड़ा और फिक्रा भी कायम होता है, 3 साल के बच्चे को बीबी ने उठा के बाप के सीने पे सुलाया ही था, या बच्चा रो के कहते हैं अम्मा इतनी गर्म जगह पे सुलाया। कासिम गर्म जगह नहीं है, बाप का सीना है। आज की रात हो सकता है कल तो तलाश करे तेरा बाबा तुझे ना मिले। आंखें खोली, बाप के गले में बाहर आई, बाबा खैर, कासिम मुझे जहर हो गया, बाबा मैं उजड़ने वाला हूं। हाँ कासिम तैयारी कर, तू मेरा बेटा है, तू बहादुर बेटा है। कासिम रोना, अच्छा बाबा कोई हुक्म हो तो मैं हाजिर, पानी पिलाऊं। 3 साल का बच्चा पूछे, नहीं कासिम बाबा कोई और खिदमत, कासिम एक काम करेगा, बाबा तू इमाम है, हुक्म कर, हमारी तेरी मां नहीं, थोड़ी देर के लिए तुझे भेजता हूं, मेरी बहनों को बता दिया। ये फिक्रा नहीं था, उमर साहब का पूरा कुरान है जो मैंने पढ़ा। बाबा जैसे आप कहो, आवाज यूं नहीं जैसे मैं कहूं वैसे, बाबा हुक्म करें, मेरे करीब गिरे बांध छाट आसी में उड़ मट्टी उठाई बेटे के बालों। बीबी फरवा तड़प गई, बोला क्या कर रहे, आवाजी मैं चाहता हूं इसे बताना ना पड़े, जैनब देखे और समझ जाए। अब तैयारी करना मौला का वास्ता, आलिया देखे और समझ जाए, जा कासिम बुद्धियों को इतला दे। लेकिन याद रखना अमीर बाप की बेटियां, जगाना नहीं, तहज्जुद करीब है, अभी अली की बेटियां उठेगी। 3 साल का
मेरी माँ बहने ज्यादा समझी थी। नींद से जागा हुआ बच्चा पुफियों के दरवाजे पे आया, बाप ने कहा था दस्तक न देना, दरवाजे से सर लगा के बैठ गया, खुद से गुफ्तगू शुरू की, पता नहीं ये कब जागे, पता नहीं उसकी क्या हालत है, पता नहीं जहर ने क्या हाल किया, पता नहीं मेरे जाने तक मेरा बाबा जिंदा भी रहे या ना रहे। गिरिया बुलंद हुआ, सुस्की बंद गई, अली की बेटी के कानों में कासिम की दर्द भरी आवाज आई, अम्मा फिजा चराग ले आ, मुझे लगता है मैं उधर गई हूँ, है कासिम आवाज में दर्द बड़ा। ये अजा का रंग होना चाहिए, अव्वल से आखिर एक जैसा गिरिया। पहले कहा था हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, इस फिक्रे पे इसकी तवज्जो रह गई, वो मुसल्ले पे इबादत कर लेगा, शिकजादे का वादा है, बिस्तर पे रोवोगे अगर फिक्रा याद आ गया। बीबी ने दरवाजा खोला, भतीजे को उठाया, कासिम तो अमीर बाप का अमीर बेटा है, बालों में खाक की रबान, चाल खैर तो है, अम्मा ज्यादा सवाल न कर, क्यों कासिम आवाज, अम्मा मेरे बाप के पास वक्त कम है। कासिम मेरे लाल क्या हुआ, अम्मा बाबा को जहर मिल गया, अली की बेटियों ने चादरें उठाई सर पे रखी, घर से रवाना हुई, इतना फर्क है अमीर और गरीब में, जिसके जहर की खबर सुन के आलिया चादर पहने वो अमीर होता है, जिसके लाशे पर बंधे हुए हाथों से खुले हुए बालों से रो रो के कहे हुसैन मैं उधर के आई हूँ, हुसैन मेरी चादर उतारू, इंशाल्लाह जनाजा वहां से आया, सभी कहां से आई वहां से, जल्दी नहीं करनी, बहुत कबूलियत वाली नजर आ रही है। चार जुमले और पढ़, बहने भाई के घर आई, मैंने तकरीबन एक ही समझ मौका छोड़ दिया, रात ढल गई थी, बहने दाएं बैठी यहां, भाई बाएं बैठे, जिसने अब तक मातम ना किया वो फिक्र से बस है। मसमूम इमाम ने रिश्तेदारों को देखा, मौला की कसम कोई हाथ होगा तो रह जाए सीने पे आने से। मसमूम इमाम ने रिश्तेदारों को देखा, जैनब मौला आई हुई, बहनों में कुछ मौला बैठी, हुसैन आका मौजूद, मुस्लिम हनफिया अकबर सज्जाद मौला मौजूद है, तीन मरतबा दाएं देखा, तीन मरतबा बाएं, आंखों से गरम आंसू गिरे और रो के कहा सारे आए हो, गाजी नहीं आया। हुसैन की चीख निकल गई, जब से सुना है आपको जहर मिल गया, कभी किसी दीवार से टक्कर मारता है, कभी किसी दीवार पर सीना फाड़ा कर, कभी किसी दीवार से सर मारता है, रो रो के कह रहा है बेटा भी रसूल का है, शहर भी रसूल का है, दुश्मन जहर दे दे और पास भी मौजूद रहे। ये हाथों में खलूस है फर्शिया साहब, मेरा कोई कमाल नहीं, ये तेरी अकीदत है, मैं बिल्कुल नजदीक हूं, जब इशारा करूंगा मातम का तो तब बात होगा, अल्लाह तुम्हें किसी खाम में ना लूंगा। जितना क्रिया फलत हुआ है ना, ये जनाजों का क्रिया होता है, जैसे तुम रोए हो ये जनाजों का क्रिया है। मैं कयामत हे फिक्र पढ़ने जा रहा हूं, सारे आए हो, अब्बास नहीं है,
जब से सुना है तकरीबन अखबार जीता जा पास को नहीं उसे कहे जो लम्हों का मेहमान है वो बुला रहा सीना प्यारा ना करना हुसैन का वास्ता अली अकबर गली में आए अली अकबर की चीख निकल रही और बाबा खुल के गले में है गिरेबान चाक है गुरबत की सदाएं हैं दीवारों पर सर मार मार के कह रहे मैं भी जिंदा रहा किसी ने जहरा के बेटे को जहर दे दिया अकबर ने हाथ जोड़े चाचा वो जो बहुत थोड़ी देर का मेहमान है वो बुला रहा है अकबर कैसे आओ चाचा क्या हुआ आवाज हो सकता है जैनब के बाल खुले मैं पास बर्दाश्त नहीं करता मैं उम्र मलीन का बेटा मैं कैसे हौसला हौसला दुनिया रो रही
मेरे भाई को जहां काबिल बनाए हुए हाँ साया था या नहीं था। भाई जनाजा लेके गए, बहने दरवाजे पे रुकी, अल्लाह करे मैं पढ़ लो तुम सुन लो। जनाजा कब्र मुस्तफा पे आया, एक मलहून कहते यहाँ दफनाने नहीं देंगे। हुसैन कहते हया करो, एक तो मेरा मसलूम भाई कब्र हो गया, शहर भी हमारा, रोजा भी हमारे नामे का, बेटा भी मोहम्मद मुस्तफा का, तुम कहते दफन नहीं होने देंगे। उस वक्त किसी ने एक रुमाल का इशारा किया, 300 दीर कमान में चढ़ा, अब तेरी मर्जी है यारो, 70 तीर हसन के जनाजे में कैबस्त हुए। गाजी ने कहा मुस्लिम तू जनाजे सवाल, मैं तलवार, हाँ ये हक मैं तो मौसा का वास्ता। मौला मदद करना मरूज, मैं फिर पढ़ता हूँ आवाज मुस्लिम भाई जनाजा संभाल। अब्बास तेजी से दौड़े घर के अंदर आए, अली की बेटियों ने देखा जमाल में अब्बास, रो रो के कह रहे अम्मा मेरी तलवार मुझे दो। जैनब आलिया ने कहा मुझे पहचान, मैं अली की बेटी हूँ, मुझे इतना बता जनाजे पे तलवार हो क्या कहा। आवाज है हमारे जनाजे पर तीरे की बारिश हो रही है, हमारे जनाजे पर तीरे की बारिश हो रही है। आखिरी फिक्र पढ़ना, ज्यादा नहीं बस आखिरी फिक्र, हो गया जो हो गया, जनाजा तैयार है, आखिरी फिक्र पढ़। मैंने कहा था बहने दरवाजे पे खड़ी रहे, अब बहनों ने क्रिया शुरू किया। अब सहल गया इतना रोई अली की बेटी, जब सुना कि जनाजे पे हमला हो गया, पढ़ दिया, जब सुना भाई के जनाजे पे हमला हो गया, लेकिन सोचा पास है मुस्लिम है हंफिया है, हो सकता है दफन हो जाए हसन। दरवाजे पे खड़ी थी भाइयों के इंतजार में, जनाजा गया था, जनाजा वापस आते देखा अली की बेटी की चीख निकली, जनाजा हुसैन ने रखा। फिकरा सुनना, आलिया ने तीरों में छुपे हुए हसन को ढूंढा, तीर निकालने शुरू किए, एक मरतबा मट्टी में गिरी, फिर उठी फिर गिर पड़ी, फिर उठी फिर गिर पड़ी। बीबी चीचा ने कहा बीबी आप अली की बेटी है, हौसला करे, अम्मा एक गम खा गया, नाना कहते थे हसन अमीर है हुसैन गरीब है, अम्मा